हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैंने 3 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है। इसमें ये गोल्डन कलर की मोती लगाऊंगी यहाँ पर, वैसे दिखा के रही हूँ आपको ऐसे लगा के। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 3 नंबर कान्हा जी की चोली मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए, मैंने 3 नंबर के लिए यहाँ पर पहले 15 चेन बनाई और फिर 3 की चेन एक्स्ट्रा बनाई। हर 15 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया, तो टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हैं फर्स्ट रो में। सेकंड रो में हमने हर एक चेन में देखिए 2 बार डबल क्रोशिया है किया है, तो हमारे पास ये 32, 32 हो गए। थर्ड राउंड में देखिए, हमने एक में एक डबल क्रोशिया, अगले में दो, फिर आगे देखिए 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में बढ़ाया है। देखिए पूरा राउंड हमने ऐसा ही किया है, 2 चेन में एक एक रखा है और थर्ड चेन में बढ़ाया है। फोर्थ राउंड में, तो ये थर्ड राउंड में हमारे पास 42 हैं। देखिए फोर्थ राउंड में ये हमारे पास, थर्ड राउंड में सॉरी 42 हैं। फोर्थ राउंड में हमने डिवाइड किया है, तो छः हमने छः छः दोनों साइड फ्रंट में रखे हैं, 9 9 बाजुओं में रखे हैं और 12 पीछे रखे हैं। तो ये हमारे चूली के एंड में 24 स्टिच, 24 स्टिच है हमारे पास। और जो फिफ्थ राउंड है वो मैंने देखिए हाफ डबल क्रोशिया का किया है, थोड़ी सी लंबाई को मतलब कम करने के लिए। अब मैंने ये 3 राउंड बनाए हैं। आप ये वाली जो ड्रेस बनाएंगे 1 2 नंबर में, अगर आप 0 और 1 के लिए बनाएंगे तो 2 ही राउंड बना करके बना दीजिएगा, और 2 3 के लिए 3 नंबर 3, ये बहुत हैं। 4 नंबर के लिए 4 राउंड घुमा लीजिएगा। इसके आगे हम किनारी बनाएंगे। और देखिए, जहाँ से हमने ये घेरा स्टार्ट किया है वो सिंपल घेरा है, ये एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। सेकंड राउंड में 2 चेन में एक एक और थर्ड चेन में इंक्रीज़ किया है। देखिए 2 चेन में एक एक और थर्ड में इंक्रीज़ किया है। थर्ड राउंड में देखिए 3 चेन में 3 एक एक डबल क्रोशिया किया है और फोर्थ चेन में इंक्रीज़ किया है, फोर्थ चेन में हमने बढ़ाया है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लैट सर्कल हो गया है। आप अगर बड़े कान्हा जी की बनाएंगे तो थोड़ा और अपने हिसाब से घेरा बना। तो देखिए ये हमारा थर्ड राउंड जो है, हम इसे क्रीम कलर वाले धागे से कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए ऐसे, थर्ड चेन में जा करके ये लिया इस तरीके से। पहले इसमें हम 3 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया। देखिए ये तो हमारा 3 की चेन पे 3 चेन हो गई, ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, और देखिए इसके नेक्स्ट, यानी हमें 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले देखिए 5 चेन में 5 बार डबल क्रोशिया किए हमने, 2 चेन नीचे, 1 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 5 चेनों में 5 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन में एक करते हुए, देखिए इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे, आगे 5 चेनों में 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। देखिए 1 ही चेन बची है एंड में हमारे पास, 2 चेन ली हमने, और ये जो चेन ली थी हमने 3 की, इसकी थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। और देखिए स्लिप करते हुए हम नेक्स्ट लूप में, जो हमने 2 2 चेन के बनाए हैं उनमें चले जाएंगे इस तरीके से स्लिप करते हुए। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया।
नीचे एक चेन है ही, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया। स्लिप करते हुए हम नेक्स्ट लूप में चले गए। यहाँ पे हम ये रेड कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे करके रेड कलर का स्टार्ट हो गया। ये तीन चेन बनाएंगे पहले। अब देखिए ये जो हमने दो चेन का जो लूप बनाया है इसमें हमें 7वां डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए टोटल, देखिए एक हमारी तीन की चेन हो गई और तीन ये और तीन ये, 6-7 हो गई हमारे डबल क्रोशिया। अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में जा करके फिर से हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है, 7 डबल क्रोशिया 2 चेन 7 डबल क्रोशिया हर एक लूप में बनानी है। यहाँ पर हमें कोई वर्क नहीं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कम्प्लीट हो गया है। देखिए एक दो चेन बना करके ये जो तीन की चेन थी इसकी थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे, चेन लेके धागा कट कर देंगे। यहीं से देखिए हम क्रीम कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। ये मैंने काटा नहीं था, पहले से लगा हुआ है। देखिए स्टार्ट करेंगे, पहले तीन चेन बनाई, देखिए तीन चेन बना दी। ये तीन की चेन पे तीन चेन बन गई हमारी और ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया जो है इसकी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। और देखिए ये जो हमारी फोर्थ चेन है, देखिए इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे की तीन चेनों में 1-1 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो देखिए पहले हमारे ये 7 थे, अब ये 9 हो गए। पहली तीन चेनों हमने 1-1 डबल क्रोशिया किया है, सेंटर में 3 डबल क्रोशिया किए हैं और लास्ट की तीन चेनों में 1-1 डबल क्रोशिया किया है। अब देखिए धागा लिया हमने, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं। चेन में जा करके इसको पीछे रहने देंगे, देखिए 1 बार निकाल लेंगे और इन पूरा नहीं करेंगे डबल क्रोशिया को, आधा ही करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे दूसरी चेन में, यहाँ भी हम 1 बार निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, आधा ही करना है, फिर से धागा लिया, कंप्लीट नहीं करना है हमें, 1-1 बार ही निकालना है, बस क्रोशिया पे रहने देना है इस तरीके से। अब देखिए हमारे पाँचों में ये 1/2 डबल क्रोशिया बन गया है। अब इनको ऐसे धागा लेकर के सभी को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन लेंगे। अब धागा लिया, अब ये देखिए 7 डबल क्रोशिया थे हमारे, इन पर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले तीन चेनों में 1-1 डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3, तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे हमारे, तो इस तरीके से 9 हो जाएंगे। आगे की तीन चेनों में भी हम 1-1 डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से। एक बार और देख लीजिए, एक बार धागा लिया, ये जो 5 डबल क्रोशिया हैं इसको 1 बार निकाला। देखिए ये जो चेन चल रही है इसको हम पीछे ऐसे तो छोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं, धागा लिया 1 बार, फिर से धागा लिया 1 बार, फिर से धागा लिया, फिर से धागा लिया, और इस तरीके से 1/2 बनाए हैं हमने सारे। देखिए धागा लेकर के सभी को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन लेंगे
और आगे से फिर अपना फिर से हम आगे का वर्क करेंगे। फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया करेंगे और 5 डबल क्रोशिया पर इस तरीके का वर्क करेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ कंप्लीट करके आपको देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ड्रेस भी हमारी बन करके एकदम कंप्लीट हो गई है। ये हमने पहले 3 की जो चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जा करके स्लिप स्टिच करके चेन लेके धागा कट करेंगे। इस धागे को हम सिक्योर कर देंगे। देखिए हमारी जो ड्रेस है वो देखने में कुछ ऐसी लग रही है। 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है ये। अब मैं इसकी किनारी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी चोली वगैरह बना दी, चोली की किनारी बना दी है और हमारी ड्रेस कुछ देखने में इस तरीके की दिख रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए 3 नंबर की अगर आपके छोटी दिख रही हो तो देखिए मैंने ये 3 राउंड किए हैं, आप 4 कर लीजिए, वैसे ठीक है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।